कौन लोग कहते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं है? हम महिलाओं से, हम लड़कियों से पूछे कि क्या शराबबंदी छपरा में जो हुआ, छपरा में हुआ तो वो नीतीश कुमार उसकी भागीदारी है? नहीं, ऑब्वियसली गलत है, शराब नहीं पीना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो शराब पीने से आज छपरा में जो कांड हुआ है उसकी वजह से हमारे घर की कितनी महिला अकेले हो गई है, कितने घर परिवार टूट गए हैं। छपरा में जो लोग मरे हैं, जो चीज हुआ है, उसमें क्या बोलिएगा? हर चीज के लिए कोऑपरेशन जरूरी है, अगर हम खुद कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान है। शराबबंदी फेल विपक्ष के लिए है, जनता के लिए नहीं है। और दो परसेंट ऐसे लोग हैं जो दम नहीं सुधरने वाले हैं, तो जहर पी रहे और मर रहे। देखिए गांधी मैदान गांधी मूर्ति पहुंच गई है बहुत सारी लड़कियां, बताइए कि नीतीश कुमार को इतना सपोर्ट क्यों? क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्होंने नशा मुक्त करा के हमको सम्मान प्रदान किया है। अगर वो हमको सम्मान प्रदान, जो लोग कहते हैं कि शराबबंदी नहीं हुआ है, फेल है नीतीश कुमार, उनको क्या बोलिएगा? इसका तो किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, आप रिजल्ट देखिए, आप सर्वेस चेक करिए, क्या डेटा में नहीं है कि क्राइम लेवल घटा है? छपरा में जो लोग मरे हैं, जो चीज हुआ है, उसमें क्या बोलिएगा? हर चीज के लिए कोऑपरेशन जरूरी है, अगर हम खुद कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान है। पीने वाले छुप कर पिए या खुल कर पिए, नुकसान उनका है। जो नहीं पिएंगे वो सुरक्षित रहेंगे। हम नहीं पी रहे, हम सुरक्षित हैं। हमारे घर में लोग नहीं पी रहे, हम अपने घर में सुरक्षित हैं। हमारे समाज में लोग नहीं पिए। नीतीश कुमार को कितना मानती है? उनके लिए हमारे दिल में जो सम्मान है, जो उन्हें हमें उन्होंने हमको सम्मान प्रदान करके किया है, उसको बताया नहीं जा सकता है। कितना सपोर्ट करती है शराबबंदी को? पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं, ये तो हम लोग देख ही सकते हैं कि शराबबंदी के बाद हम लोगों को एक नई जिंदगी मिली है। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को और पूरे परिवार को, पूरे समाज को एक बहुत 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 अच्छी लाइफस्टाइल मिली है। बताइए क्या कहिएगा नीतीश कुमार को, शराबबंदी को लेकर उतरी है आप लोग? ये बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार में शराब की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लड़कियाँ हैं, और यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आनंद मोहन भी मौजूद हैं। शराबबंदी पे क्या कहिएगा? देखिए शराबबंदी जैसे लागू है एकदम लागू रहेगी, और सरकार की नीयत साफ है, शराबबंदी कभी चालू नहीं होगी बिहार में। बोले फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, और पहले भी सपोर्ट है, और लोगों को और भी जागरूक करने जरूरत है। जो लोग गलत तरीके से चोरी छुपे से गलत तरह से पी रहे, जो कि क्राइम घटनाएं आपको सामने आ रही है, ये सारे गलत है। लोगों को शराब त्याग देना चाहिए। कि शराबबंदी फेल है उसको क्या बोलिएगा? कहीं शराबबंदी फेल नहीं है, शराबबंदी बिल्कुल सही है, और शराबबंदी लागू है, और सब लोग इसके सपोर्ट कर रहे हैं। ये सभी विरोधियों के साजिश है। शराबबंदी को सपोर्ट करती है, नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है? हाँ बिल्कुल। तो जो लोग कहते हैं कि शराबबंदी फेल है, पास नहीं है, उसको क्या बोलिएगा? क्या बोलना चाहेंगे? ऑब्वियसली गलत है, शराब नहीं पीना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो शराब पीने से आज छपरा में जो कांड हुआ है उसकी वजह से हमारे घर की कितनी महिला अकेले हो गई हैं, कितने घर परिवार टूट गए हैं, और ये हमारे नीतीश कुमार जो लागू कर चुके हैं कि नहीं पीना है, देन यहाँ हमारा समाज गलती कर रहा है कि उसको बढ़ावा दे रहा है। लड़कियां और महिलाएं लगातार नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। एग्जैक्टली इसलिए कर रही है क्योंकि दारू की वजह से, दारू बंद होने की वजह से हमारा परिवार बहुत बच रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें जो बीमारी से भी बच रहे हैं, और अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं समाज हमारा उस चीज़ को बिगाड़ रहा है, ये गलत है। समाज अगर इस चीज़ को रोकेगा तो कितना गलत है शराब पीना? 100% बिल्कुल गलत है शराब पीना, 100% गलत है। नीतीश कुमार के साथ है या नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है, सब है, हम लोग सब है, हाँ हम सब है, क्योंकि गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली उनके साथ रहेंगे। हमारे समाज को बचाने के लिए कहीं ना कहीं शराबबंदी लगाए हैं। गांधी मैदान पहुंची है, क्यों पहुंची है? यहाँ पे हम लोग नारा लगाने के लिए, शराब बंद कराने के लिए हम लोग नारा। शराब बंद है कि नहीं ये बताइए? बंद है, बंद है। नीतीश कुमार सफल है कि नहीं? सफल है, है सफल। बहुत बहुत जगह पे बंद है शराब, बहुत ज्यादा, बहुत जगह पे बंद, बहुत जगह पे बंद है। बताइए कि शराबबंदी को लेके आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या कहिएगा? शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है। इसी गांधी मैदान में 7 जनवरी 2017 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को तारीफ किए थे कि आप एक ऐतिहासिक कदम लिए थे जिसमें हम लोग को बजट का नुकसान होती है, लेकिन आपने फैसला लिया, बिहार वासी को एक संदेश दिए, भारत वासी को, शराबबंदी से हमारे 6 छात्रा महिलाएं सुरक्षित है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और सब लोग देखिए पूरे जोश के साथ यहाँ पे हैं कि शराबबंदी है, और लोग कहते हैं शराबबंदी सफल नहीं है, क्या बोलिए? कौन लोग कहते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं है? हम महिलाओं से, हम लड़कियों से पूछे कि क्या शराबबंदी छपरा में जो हुआ, छपरा में हुआ तो वो नीतीश कुमार उसकी भागीदारी है? नहीं, जब शराबबंदी है तो लोग कहते हैं कि शराबबंदी है तो शराब मिलता है, सरकार कोई कानून लागू करती है तो क्या आम पब्लिक का जिम्मेदारी नहीं बनता कि उसको हम निभाए? काफी गुस्से में है, नीतीश कुमार की पूरी सपोर्टर है लग रहा है। नहीं हम सपोर्टर नहीं, हम दारू के बंद में नीतीश कुमार जी के सपोर्ट में आए हैं। हाँ साथ है। क्या लग रहा है पटना के लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पटना के लोग पीते हैं, लेकिन पटना के लोग को ये सोचना चाहिए
कि क्या ये हमारे लिए सुरक्षित है, आपकी बेटियों के लिए सुरक्षित है, आपकी बेटियां हमारी बहनें हैं, सब हम लोग जाते हैं कॉलेज, हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है। दारू बंद होना जरूरी है, और जरूरी है इसलिए, और बाकी जितनी भी लेडीज हमें सुन रही है, प्लीज बाहर आइए, क्योंकि घरेलू हिंसा इसके कारण भी होता है, कहीं ना कहीं दारू भी इसका एक मुख्य कारण है। बंद है तो कितना फायदा है, अगर ये शराब बंद रहेगा तो ये फायदा हमें आपको दिख रहा है कि हम यहाँ खड़े हैं। देख सकते हैं आप कि सब लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं गांधी मैदान, गांधी मूर्ति, और सबका यही कहना है कि शराब बंदी है तो बहुत अच्छा चीज है। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा कि सब लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आनंद मोहन भी मौजूद थे जो कि अध्यक्ष है पटना विश्वविद्यालय के, और सारी लड़कियां यहाँ पे मौजूद है, गांधी मूर्ति पटना, गांधी मैदान के गांधी मूर्ति, और सबका यही कहना है कि शराब बंदी, जी हाँ शराब बंदी बहुत सही चीज है, शराब बंदी होना चाहिए, शराब बंदी रहना चाहिए। देखिए सब लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, और सबके बैनर पे लिखा हुआ है कि नशा करोगे तो जीवन भर रोगे, तो आपने लिखा हुआ है नशा करोगे तो जीवन भर रोगे, तो सही बात है, नशा करने से तो रोएंगे ही। चलिए क्या बोलिएगा कि लिखा हुआ है कि नशा करोगे तो जीवन भर रोना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो तो भाई नशा करके मर जाएंगे उनके परिवार वाले, तो उसके बाद भी रोएंगे, तो सबसे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुश है कि नहीं है? बहुत खुश है, यहाँ इतने लोग शराबबंदी के समर्थन में आए ही इसीलिए हैं कि लड़कियाँ भी आवाज उठा रही हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार को कितना चाहती हैं इस चीज के लिए? भाई नीतीश कुमार को तो पूरा समर्थन, सबसे ज्यादा हम लड़कियों का ही है। नीतीश पटेल भी यहाँ पे मौजूद है, लोगों के साथ आए हैं, बताइए कि कितना समर्थन। देखिए मैं गांधी मैदान से गुजर रहा था और ये कार्यक्रम मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह कॉलेज की लड़कियां हैं, हाँ कॉलेज की लड़की, और कॉलेज में हमारे जो समर्थन मिला है जदयू को, और बच्ची है, देखिए मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी के साथ खड़ी है, शराबबंदी के साथ खड़ी। उनको क्या जवाब दीजिएगा जो बोलते हैं कि शराब, चलते चलते बात करते हैं, उनको क्या जवाब दीजिएगा जो बोलते हैं कि छपरा में ऐसा हो गया वैसा हो गया, शराबबंदी फेल है? शराबबंदी फेल विपक्ष के लिए है, जनता के लिए नहीं है, और दो परसेंट चार परसेंट ऐसे लोग हैं जो दम नहीं सुधरने वाले हैं, तो जहर पी रहे और मर रहे। बताइए कि क्या कहिएगा कि शराबबंदी को लेकर इतनी सारी छात्राएं निकली हैं? देखिए ये महिलाओं के मांग पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया 2016 में, और आज जिस तरह से भाजपा ने अपना दोहरा चरित्र जारी किया है, ये दिखा रहा है कि वो महिला विरोधी है भाजपा सरकार, और ये सब कोई जानता है कि संघ महिला विरोधी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज जिस तरह से वो मांग करके कि ये हमको जो मृतकों को दिया जाए, उन लोगों को कोई सहानुभूति, वो लाश पर राजनीति कर रहे हैं। कॉलेज की लड़कियां चल रही हैं शराबबंदी के लिए, इनके भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, भविष्य सुरक्षित के लिए हुआ। आप बताइए कि इतनी सारी लड़कियां निकल पड़ी हैं शराबबंदी को लेकर, ये आस्था है इन लोग का, आस्था है कानून के ऊपर, शराबबंदी के ऊपर। अभी बच्चियां हैं, ये लोग कॉलेज में पढ़ती हैं, साफ कह रही है तो, कि शराब पियोगे तो रोना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ही रोना पड़ेगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन है, कितना अच्छा कानून बना, उसके समर्थन में हमारी बच्चियां लोग निकली है, एक संदेश जो है लोगों को मैं जाहिर करना है कि जो लड़कियां हैं वो गांधी मैदान में मौजूद है, और सबका ये कहना है कि शराब अगर पियोगे तो रोना पड़ेगा। साथ में नीतीश पटेल भी थे और अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के आनंद मोहन भी मौजूद थे। क्या कुछ कहना था, क्या कुछ माहौल बना था वो आपने देख लिया।